हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा जो आईआरसीसी की तरफ से अपडेट आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में हैं, स्टडी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे चले गए हैं, उन बच्चों का जिनका एक्सपायर हो रहा है 2023 में, जहाँ एक्सपायर हो चुका है 2022 में, वो बच्चे एक्सटेंड कर सकते हैं अपना PGWP दोबारा से। बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है कि कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो PGWP ले चुके थे मगर उनको जॉब्स नहीं मिली थी, जिसके कारण वो अपना एक्सपीरियंस 1 ईयर का नहीं कंप्लीट कर पाए। उसी वजह से वो बच्चे PR के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए कि इनको जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए IRCC ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी एक्सटेंशन दिया है 18 मंथ का PGWP में जिन बच्चों का एक्सपायर हो रहा है 2023 में। इस न्यूज़ के साथ जितनी भी अपडेट्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जैसे कि आप सभी ने देख लिया कि 18 मंथ के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं जिनका एक्सपायर हो रहा है 2023 में। अभी यूजली क्या होता था कि जब बच्चा कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर जाता था तो वो स्टडी एक्सटेंड करवा सकता है, वो PGWP पे जा सकता है अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद। यानी कि एक बच्चा एक साल का कोर्स लेके जाता है कनाडा में, उसके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो वो सेकंड ईयर के स्टडी के कोर्स में चला जाए या वो अपना PGWP ले ले। अगर एक साल के बाद वो बच्चा PGWP जाता है तो उसको एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। अगर वो एक्सटेंशन ले लेता है स्टडी में एक साल की और तो 2 साल हो जाएगा, तो 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। मगर अगर वो बच्चा 1 ईयर की स्टडी के बाद 1 ईयर का PGWP ले लेता है, उसके बाद वो सेकंड ईयर की स्टडी कर लेता है, तो वो दोबारा से एलिजिबल नहीं होगा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। यानी कि आपने अगर एक बार अपनी पूरी लाइफ में PGWP अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से ना उसको एक्सटेंशन ले सकते थे ना ही उसको अप्लाई कर सकते थे। मगर अभी जो कंडीशन है उसमें उन्होंने बता दिया कि ये उन सभी बच्चों के लिए है जो कोविड के दौरान अपनी जॉब्स पे काम नहीं कर पाए, जा जिनको जॉब्स नहीं मिली, जिनका PGWP एक्सपायर हो रहा है 2023 में, या जो बच्चे ऑलरेडी 2022 में एक्सपायर हो चुके थे जिनका PGWP, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ये 6 अप्रैल से पोर्टल पे आप अपना एप्लीकेशन डालना स्टार्ट कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। 6 अप्रैल से जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली 40,000 जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होल्डर हैं उनको मिलेगा। जिन बच्चों को PR के लिए प्रॉब्लम आ रही थी वो बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है कि उनका CRS स्कोर कंप्लीट है PR के लिए, वो अपनी फाइलिंग भी साथ रख सकते हैं, यानी कि आप PR के लिए फाइल भी लगा सकते हो और इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ताजो आपका वर्क परमिट आपको 1.5 साल का टाइम और मिल जाए। तो ये बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट होगा इसका। आपका भी अगर कोई नोन है जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे है जिनका एक्सपायर होने वाला है 2023 में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऑलरेडी बच्चों को अपडेट ये मिल चुका है मगर बेनिफिट इसका बहुत है। कनाडा की ये सबसे बढ़िया चीज़ ये लगती है कि जब कोविड में एक मुश्किल आई थी सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो बहुत सारे देशों ने अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का साथ नहीं दिया, फिर उसमें चाहे बड़े बड़े कंट्री USA, ऑस्ट्रेलिया, UK, कोई भी कंट्री हो, मगर कनाडा ने हमेशा अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ खड़े होकर उसकी प्रॉब्लम को समझा और उसका उसको सोल्यूशन दिया। एक्चुअली कनाडा भी चाहता है कि एक अच्छा जो एप्लीकेंट है या जो कैंडिडेट है जो कनाडा में स्टडी करने आया है उसको वो वहाँ पर होल्ड करें। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते कि आप PR ना हो, मगर अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस न्यूज़ के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट Q&A सेशन में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 9551760001 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की इंक्वायरी है उसके लिए सेम टाइम आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।